नमस्कार। आज से हम शुरू करते हैं एजुकेशन के कंटेंट के से रिलेटेड सारा मटेरियल और उनकी क्लासेस ऑनलाइन मेरे चैनल पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज साइकोलॉजी के बारे में। अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। साइकोलॉजी, अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी है क्या, तो सबसे पहले हम इसकी शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। साइको और लॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। तो सबसे पहले कि एक ग्रीक वर्ड है, इसमें दो वर्ड्स आते हैं। एक आता है साइक प्लस लोगोस। अगर हम बात करें साइक की, तो साइक का मीनिंग होता है सोल और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, या हम इसे साइंस भी कह सकते हैं। यानी कि साइकोलॉजी को अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक स्टडी है जो सोल के बारे में स्टडी करती है। यहां पर सोल को हम माइंड भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं वो क्या है, मन का विज्ञान, जिसमें हम मन का अध्ययन करते हैं एक साइंटिफिक वे में। इसलिए साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो बनता है सोल प्लस स्टडी, और इसका अर्थ होता है मन का विज्ञान। अब मन का विज्ञान जो है ये यहां से शुरू हुआ था साइकोलॉजी में, कि सबसे पहले साइकोलॉजी सोल यानी आत्मा, आत्मा का अध्ययन था, जब ये पार्ट था फिलोसॉफी का, जब हम इसे फिलोसॉफी में कंसिडर कर रहे थे। उसके बाद में फिलोसॉफी की एक ब्रांच के रूप में साइकोलॉजी को एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा, और ये बन गया मन का अध्ययन यानी मन की स्टडी। और मन से ये आ जा चुका है चेतना से सफर करते हुए चेतना का विज्ञान, और आज बन गया है ये व्यवहार यानी बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अगर आज हम बात करें तो साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ बिहेवियर, जहां पर हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उस टर्म को हम कहते हैं साइकोलॉजी, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं साइकोलॉजी। ये हमने समझा कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए टाइम के साथ में। सबसे पहले ये आत्मा का अध्ययन था, फिर मन का बना, फिर चेतना का बना, और बाद में इसे अब आज के आधुनिक युग में बिहेवियर का स्टडी कहा जाता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मानव व्यवहार के बारे में। अभी हमने देखा कि जो साइकोलॉजी है वो सोल से बना माइंड, माइंड से कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस से आके बिहेवियर पर। आज क्या है, आज अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं कि व्यवहार का अध्ययन करना, हम किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करते हैं, हमारा व्यवहार किस चीज किन चीजों से प्रभावित होता है, या कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे व्यवहार को इफेक्ट करते हैं, क्या बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, क्या हम इसमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। अब अगर हम इसका मीनिंग देखने जाएं तो व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे, हम जानते हैं कि जब हम बात साइंस की करते हैं, इसका अर्थ होता है कि हम कोई भी बात है वो हवा में नहीं कर रहे हैं। साइंटिफिक का अर्थ ही ये है कि आपके पास उसके लिए प्रूफ हैं, आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आप उसके वैलिडेशन करते हो,
आप ऑब्जर्वेशन करते हो, यानी कि इन सब टेक्निक्स की मदद से जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उसे हम साइंटिफिक कहते हैं। और साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं हम। अगर इससे आगे हम चले तो और क्या क्या चीज है साइकोलॉजी में? तो साइकोलॉजी में हम मेंटल प्रोसेस को भी स्टडी करते हैं। इसके साथ में हम एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मेंटल प्रोसेस, उनके एक्सपीरियंसेस को एक साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं।